जिम वर्चुअल में पंकज खजूरिया वाई है, और उस वीडियो में साफ तौर पे जिस प्रकार से दिख रहा है कि नायब तहसीलदार जिनका नाम प्राची केसरवानी है, महिला होके महिला को थप्पड़ जड़ दिया। और ये पूरा वाक्य जो है वो वाराणसी का है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस समय काफ़ी वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला जो है मैं बता दूं आपको कि बिशमपुर इलाके का है, जहां पे कपसेठी थाने के अंतर्गत जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वहाँ पर नायब तहसीलदार प्राची जी पहुंची थी बड़ा दस्ता लेके पुलिस का, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। और वहीं जब इस बातचीत के ऊपर वाद विवाद चल रहा था स्थानीय लोगों के साथ, तो बहसबाजी के चलते तमाचा जड़ दिया एक लड़की के मुंह पे उस समय। लेकिन उसके बाद का वाक्य जो है वो जो वीडियो में कैप्चर हो रखा है वो काफ़ी वायरल है, जहां तमाचा लड़की को जड़ते हुए नायब तहसीलदार जो बताए जा रहे हैं उनके द्वारा दिखाया जा रहा है, वहीं उसके साथ साथ लोगों में गुस्सा साफ दिख रहा है। और मौके से नायब तहसीलदार उस समय से वहाँ से चले गए। अगर सूत्रों के हवाले से खबर को माने तो इस समय ये भी कहा जा रहा है कि उनको उनकी पोस्ट से फिलहाल हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एक जम्मू कश्मीर में उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो ये जो वीडियो वायरल हो रही है क्या इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी पूरे भारतवर्ष में हावी है? और जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वुमेन कमीशंस की बात की जाती है, और उसी मौके पे महिला होके जब बातचीत दूसरी महिला के साथ चल रही थी लड़की के साथ, तो उसको थप्पड़ जड़ दिया, ये कितना सही है? हालांकि रोष को मद्देनजर रखते हुए मौके से नायब तहसीलदार को जाना पड़ा। वीडियो जो है इस समय वायरल हो रही है, आप गूगल में कभी भी जाके जो है वो तमाचे वाला वीडियो करके या वायरल वीडियो स्लैप्ड वाराणसी करके चेक कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे ये बता रखा है कि किस प्रकार से एक थप्पड़ को जड़ दिया एक महिला ने एक महिला के ऊपर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के दम पे। इस पूरी एक्टिविटी को आप किस प्रकार से देखते हैं अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे जिम वर्चुअल के साथ कैमन अर्जुन सिंह के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद। Oh, oh, oh.